दूसरा, अब आर्थिक आज़ादी हमें कैसे मिलेगी? अभी मेरे साथी बात कर रहे थे जमीन की, कि जमीन में मजदूर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जमीन में मजदूर की हिस्सेदारी कैसे होगी? ये संविधान के तहत होगी, यहाँ मेरी बात करने से तो होगी नहीं। 21 तारीख के आंदोलन की जो बात करें, बहुत अच्छा हो गया था, शांतिपूर्वक हो गया था, बहुत अच्छा संदेश चला गया था, पर कुछ मेरे भाइयों ने गलत दिशा में ले जा करके उस हमारे जितने भी नौजवान थे, जितने हमारे नेतृत्व कर रहे थे, मेरे सम्मानित, मेरे आदरणीय, वो करे कराए पर पानी वहाँ पर फेर दिए। बहुत अच्छा संदेश गया था, देश विदेशों में संदेश जा रहा था, और उस हमें आर्थिक आज़ादी का विजय भी हमें वो एक दिशा थी कि हम ये करके नहीं सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। संत रविदास जी के मंदिर की बात नहीं थी, उससे और भी कई चीज निकल के आ रही थी आज़ादी की बात। मैं आर्थिक आज़ादी, मैं शिक्षा की आज़ादी की बात करूं, थोड़ा साइलेंट रहिए जरा। बहन जी ने 4 स्कूल बनवाए गौतम बुद्ध नगर में, जिस और 4 स्कूलों का चेयरमैन होता है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का चेयरमैन, वाइस चांसलर। 2013 में जेपी शर्मा वाइस चांसलर बन के आए, उन्होंने हमारे बच्चों की मैथ चार्ज और फीस, ट्यूशन फीस बढ़ा दी। जिस सावित्रीबाई फूले इंटर कॉलेज में मेरी बेटी भी पढ़ती थी, मेरे को खबर लगी, भाई लोगों ने फोन किया, किस इस तरह बात होगी, एक बार तो मैं भी सोच के बैठ गया मैं भी कैपेबल हूँ, मैं भी फीस दे दूंगा। एक दो वकील साहब भी ने फोन किया, डॉक्टर साहब ने फोन किया, भाई इस तरह बात है। हमने VC साहब के PS से फोन किया कि जहाँ कहीं भी हैं मीटिंग कराओ, उन्होंने कहा यहीं भी हैं। मेरा सीधा जवाब था, विदेश में हो कहीं भी हो, फोन मीटिंग तो हो सकती है। उसी दिन मीटिंग अरेंज करी गई, बाकायदा इज्जत से बुलाया गया, और जब चाय आई, आप यकीन करें ना करें, मैंने उस चाय को ऐसे रख दिया उठा करके कि शर्मा जी मैं दलित विरोधी की चाय नहीं पीता। पर डॉक्टर साहब रणवीर थे, डॉक्टर गुलाब सिंह थे, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह थे, मेरे को तरफ देखे तुम ऐसा मत करो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे जेल भेज दे, भेज दे, पर मुझे जो बात कहनी कहनी है। लोग तो प्रदर्शन में कहते हैं, मैं तो इसकी टेबल में बैठ कर रहा हूँ, और टेबल में बैठ कर कहना बहुत बड़ी बात है। उसने कहा जी फाइनेंस प्रॉब्लम है। मैंने कहा फाइनेंस प्रॉब्लम इन दलित बच्चों के साथ ही है, दलित बेटियों के साथ ही है। आप नहीं चाहते मेरी बेटी डॉक्टर बने, आप नहीं चाहते मेरे बेटे इंजीनियर बने, आप चाहते छोटू सब्जी लिया, आप चाहते हो मेरी बेटी से बेटा झाड़ू पोछा कर दे। आपकी सोच ये है, नेगेटिव सोच से हमारी जो ना आर्थिक आज़ादी मिल पा रही है, ना शिक्षा की आज़ादी मिल पा रही है। मैंने उसकी चाय ली, भी गुस्से में मैंने कह दिया 4 स्कूलों पर मेरे बच्चे खड़े मिलेंगे, किसी भी मेरी बेटी से मेरे बच्चे से फीस मांगी, खाना नहीं दिया, तो मैं वो हल करूँगा, आप याद रखोगे। अगर अखिलेश मुख्यमंत्री जी का कहना मानेंगे तो नवरत्न नेता जी का भी कहना मानना आज को पड़ेगा। उसका नतीजा ये निकला, उसने इंटरकॉम किया रजिस्ट्रार को कि भाई ये नेताजी नाराज हो गए, इनका सोल्यूशन निकालो। उसने चाय पिलाई, रजिस्टर बनवाया, मीटिंग करा करा, सब ये वापस हो जाएगा। तो अभी मेरे जो साथी हैं, मेरे आदरणीय बोल रहे थे, अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, छीनने से मिलते हैं। तो मैंने वो अधिकार छीना, और उसमें 35 लाख रुपए का मेरे साथियों को फायदा हुआ। मैंने वो वापस कराया, और मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था घोड़ी गांव में, वहां मुझे श्रीवास्तव एक अथॉरिटी के हैं, उन्होंने फोन करा, सर 2 आदमी के सिग्नेचर हो रहे हैं, और आप कोई ऐसा बवाल मत खड़ा कर देना। मैंने कहा मैं संवैधानिक आदमी हूँ, बाबा साहब का सिपाही हूँ, मैं ऐसा बवाल नहीं खड़े करूँगा, शांतिपूर्वक मैं प्रदर्शन करूँगा, शांतिपूर्वक तुम्हें सबक सिखाने का काम भी मैं करना जानता हूँ, करने से 2 दिन की बात। तो मैं भाइयों से मैं ये चाहता हूँ, गांव में जो हमारे समाज में कुरूतियाँ हैं, हमें कुरूतियाँ भी खत्म करनी होंगी।
अब गांव में क्रूतियां कैसे हैं, एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपए चल रही है, वो 500 रुपए मजदूरी करके तो आता है, शाम को अपना काम स्टार्ट करता है खाने पीने का, 500 की जगह 600 खर्च कर देता है, कमाई से ज़्यादा खर्च कर देता है, दो दिन बाद उसकी कनस्तर में आटा नहीं मिलता है, और फिर हम अब हम लोग बड़े चिंतित होते हैं, जितने भी ये सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं बड़े चिंतित होते हैं, बालक राम जी बड़े चिंतित है जो हम सबको इकट्ठा गया कि भाई हमारी कमी कहाँ है, चिंतन कहाँ करना चाहिए, तो हमें वो हमें कैडर देना पड़ेगा गाँव गाँव जाकर के लिए कि भाई इस तरह नहीं बनेगी बात, दारू से गलत कार्यों से हमें भाई निजात मिलानी पड़ेगी, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते मानने पड़े, हमें बाबा साहब के मानने वाले नहीं चाहिए, हमें तो बाबा साहब की मानने वाले चाहिए ज्यादा, आज तो क्या हो रहा, बाबा साहब को ज्यादा मान रहे हैं, बाबा साहब की नहीं मान रहे हैं। तो मैं देखिए समय ज्यादा है तो मैं ये कहूंगा कि हमें तो आजादी चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए, विकास से आजादी चाहिए, और शिक्षा पे हमारा अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा अगर कैखे गए गांव में पढ़ाया जाता तो कैखे गए डीपीएस में भी पढ़ाया जाए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।